जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ अब कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सब की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज़ कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो दो रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पर छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, वो बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा।